हाय दोस्तों, निकल जाने किचन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जो है आज कढ़ाई पनीर बनाने वाले हैं और कढ़ाई पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा। चलिए आज आपको कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं। चलिए देखिए, कढ़ाई पनीर के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया, तो अब उसको हम कट कर देंगे। क्यूब्स में इसको काट लेने का है, तो अलग अलग काटने के बाद आप इसको हम थोड़ा मैरिनेट कर लेना चाहिए। नमक मैंने ले लिया, थोड़ा सा हमने हल्दी ले लिया, कोरिएंडर ले लिया, इसमें मिर्ची एक एक करके प्यार से डालने का, बिल्कुल एकदम नहीं तो टूट जाएंगे ये। ये देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से हिला लेना है आपको। इसको 10 मिनट हमारे को रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रोसेस आपको दिखाता हूं इसमें क्या पड़ेगा। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च और प्याज लिए हुए हैं। प्याज को ऐसे पैलेट्स निकाल लेने हैं आपको, और ये उसमें 2 चम्मच तेल डाला हुआ है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगा। मैं इसको देखिए, अभी इसको थोड़ा सा हमारे को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, सेमी फ्राई करना है। तो सेमी फ्राई करना है, अब इसको हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो पनीर हमने मैरिनेट करा था 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई करना है, ये देखिए गोल्डन फ्राई, इस टाइप से गोल्डन फ्राई होते हैं। देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, ये गोल्डन फ्राई देखिए आप, ये बढ़िया एकदम गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल रहा हूँ, हल्का सा जीरा पड़ेगा इसमें। देखिए दालचीनी, काली मिरी और लौंग, ये चला जाएगा इसमें। थोड़ा सा तेज पत्ता, ये तेज पत्ता भी भाई चला गया इसमें, ये चली गई हींग। और इसके अदरक और मिर्ची का फ्रेश मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, तो ये इसमें चला। हरा धनिया, 2 मिनट के लिए मसालों को भून लेना है अपने को। ये चले गए भाई प्याज, ये चला गया प्याज, थोड़ी देर भुनना है इसमें, क्योंकि ग्रेवी बन रही है इसकी, तो भाई काजू आपको डालने हैं, तो भी इसके साथ भून लेना आपको। मजा आ गया भाई, काजू की खुशबू। टमाटर काटे थे, ये हमारे को डाल देना चाहिए। ये भाई टमाटर चले गए, लाल मिर्च, हल्दी, खड़ा धनिया का पाउडर, हरा धनिया, नमक, पानी डालने का आपको, जिससे कि ये चिपके नहीं। देखिए अब टमाटर ने छिलके छोड़ना शुरू कर दिया, तो इस स्टेज पे हमारे को क्या करने का है, इसको बंद कर देने का और इसको ठंडा होने के लिए रख देने का है। देखिए गर्म पानी हमने रख दिया है, बहुत ज्यादा आपको गर्म नहीं करना, थोड़ा गुनगुना रखना है। इस पनीर हमने लिए थे वो हमारे को उसमें डाल देने का, ये इस प्रकार से, जिससे कि पनीर हमारे सॉफ्ट रहेंगे। सभी एक एक करके पनीर को इसमें डाल देने का है, और ये देखिए ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ये हमारे हो गया, डालना नहीं है, ये हमारे हो गया। इसको अब अलग से रख देना है जब तक कि हम ग्रेवी हमारी रेडी कर लेते हैं। ठंडा करके जार में डाल दिया, आपको इसको ठंडा करना है 10 से 15 मिनट, उसके बाद पीसना है। गर्म गर्म में पीसना नहीं है। अब मैं इसको पीसूंगा, इसको बंद करके ठंडा। देखिए देखिए तेल गरम रख दिया हमने, छोटा वाला एक तेज पत्ता जाएगा इसमें, ये दालचीनी चली गई भाई, जीरा अगेन, अब ग्रेवी इसके अंदर हमारे को डाल देनी है। आप देख सकते हैं जो है ना, पूरा हमने साफ कर लिया, ये हमारी ग्रेवी जा चुकी है पूरे अंदर। और थोड़ी देर हमको 2 से 5 मिनट स्लो गैस पे ग्रेवी को पकाने का है। कश्मीरी लाल मिर्च में डाल रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया, और जो हमने ये लिए थे वो इसके अंदर चले जाएंगे, मिक्स करना है इसके साथ में इस प्रकार से। ये पनीर को हमने गर्म पानी भिगाया था, तो एक एक पनीर को हमारे को इस प्रकार से लेना है, एक दो पनीर को लेना है, थोड़ा पानी निकालना है और अपने को डाल देना खाइए। तो मैं सभी पनीर को ले रहा हूँ इस प्रकार से, ये पनीर को इसमें डाल देने का है। और थोड़ा सा जिसमें पनीर हमने भिगाया था
वो हल्का सा पानी भी इसमें वो डालना, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाएगी। ये हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और थोड़ी देर हमारे को इसको पकाने का, इसको रेडी हो रहा है। पर नमक डालने के बाद में आपको लाल मिर्च भी पड़ेगा इसमें, हरा धनिया वन डाल के फिर इसको मिक्स कर लेंगे। कदम मलाई लिए, घर की मलाई भी डाल सकते हैं, बाहर की क्रीम भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम आपको मिक्स कर देने का। तो हमारा भाई कढ़ाई पनीर बन के अब रेडी हो गया है। अब चलिए सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए भाइयों, कढ़ाई पनीर बन के रेडी है। आप पनीर के देख सकते हैं पीसेस जो है ना, ये देखिए ये पनीर के आपको पीसेस दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये पनीर के पीस है ये, और कितना ऑसम लग रहा है। आप देखिए ये पनीर के पीस है, मैं इस पे से पनीर उतारता हूँ। ये देखिए, तो ये रेसिपी अगर मेरी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नई नई रेसिपी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। विश ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।